आओ मिलकर चलें, अपने आसपास बेटियों को सम्मान की भाव से देखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार ने लगातार चलाया हुआ है। सभी बेटियों को अधिक सम्मान दें, गलत मानसिकता मन में ना पैदा करें, नहीं तो होगी हवालात। जागो देशवासियों जागो। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी, आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि गांव और शहर की तुलना कैसे की जा सकती है। गांव और कस्बों में लोग नाम से जानते हैं, वहीं पर शहरों में यदि जाएं तो वहां पर गली मोहल्ले और मकान से लोग जो है परिचित होते हैं। आदमी कितना आधुनिक होता जा रहा है, यहाँ की शहर में एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी सिर्फ मकान नंबर से ही परिचित होते हैं। नाम तो अब तो एक दूसरे के भूलते जा रहे हैं या जो है लोग जानना ही नहीं चाहते। वहीं पर गांव में किसी भी नाम का व्यक्ति से परिचित पूछना है तो उसके नाम से ही लोग आसानी से बता देते हैं और यहां तक होता है घर तक भी यदि पहुंचा भी देते हैं। यही तो है परिचित होने का सबसे बड़ा परिणाम। गांव एवं शहरों के प्रचलन कितना अलग है। गांव की अपेक्षा शहर में अधिक सुख सुविधाएं से लैस है और शहर में विकास की बोलबाला अधिक है, लेकिन गांव में हमारी पहचान हमारे पूर्वजों और माता पिता से मिलती है, जबकि शहर में बिना मोहल्ले और मकान नंबर से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं और ना ही ढूंढ सकते हैं और किसी की परिचय नहीं आप सोच सकते हैं। गांव की तुलना आत्मक आपस में ही भाईचारों के साथ एक पहचान होती है। खास रिपोर्टिंग आप देखिए राजेश गुप्ता जी की खास बातचीत। रुकिए रुकिए रुकिए, मेरा गांव आ गया, मेरा गांव आ गया, हमें यहाँ पर उतार दीजिए। गांव और शहर, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप कहेंगे आजकल तो सारी सुविधाएं गांवों में और शहरों में हैं, फिर अंतर किस चीज़ का है? अंतर है अपनी आत्मीयता के साथ नाम लेने का। आप जब भी बस से या किसी साधन से गांव में उतरते हैं या अंदर जाते हैं तो आपका परिचय, आपका पते का लोकेशन, आपके माता पिता, आपके बाबा दादा दादी ताई ताऊ के नाम से या उनके बनवाए गए कोई तालाब मंदिर, कोई ऐसी मठिया जो भगवान के प्रति समर्पित है, उस नाम से आप लोगों को गांव में जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आप घर गांव में घुसते हैं, घर से बहुत पहले आपकी पूरी खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि इनका लड़का इनकी पुत्री आज यहां से गांव में आई है, बहुत दिनों बाद आई है और बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे पे हम लोग इनके साथ खेलते थे, जो बड़े लोग आपस में बातचीत करते हैं तो ये चर्चा सुनकर काफ़ी जो है एक प्यार मोहब्बत एक आत्मीयता की जो झलक मिलती है वो वास्तव में गांव की एक बहुत ही प्यारी सुंदर चीज़ होती है और है, जिसको अगर जाना है जिसने उसको इसको सुनकर समझकर बड़ा ही सुंदर लगता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। जो लोग गांव में रहे हैं और शहरों में आ गए हैं उनको इस चीज़ का बहुत ही बड़ा अनुभव है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कई लोग जो है आज भी अपने घर में बहुत बड़े त्यौहार या पूजा पाठ करने आते हैं, उसका एक ही कारण है कि वो अपने गांव की माटी को भूल नहीं पाए हैं, अपने गांव के माहौल को भूल नहीं पाए हैं, उन्हें बहुत लगाव। और शहर में आपको ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और शहर में
आपको ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, फ्लैट्स दिखाई देंगे। अगर आपने किसी से पूछा भी कि भैया ये नंबर किधर है, भैया हमें मालूम नहीं, हम जल्दी में आगे पूछ लीजिए, आगे से पूछा भैया ये तो नंबर जो है इधर ही आसपास बताया था, इस मंदिर के पास, इस स्कूल के पास, हम तो वहीं खड़े हैं, इनका नाम जानते हैं, इनका मकान नंबर जानते हैं, बोले हम नहीं जानते, नए हैं, हमको पूरा नाम, मकान नंबर और उनका मोबाइल नंबर बताइए, अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से बात कर लीजिए, आपको लोकेशन पता लग जाएगी कि वो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, मतलब वो आत्मीयता से पूरी बात का उत्तर नहीं मिलता है। और यही जो आत्मीयता है गांव में बहुत अच्छे से मिलती है, शहर और गांव में इसीलिए बहुत फर्क है प्रेम का, व्यवहार का, और इसीलिए ये प्रेम और व्यवहार अगर शहर में झलक जाए, शहर में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो जाए, तो वास्तव में ये देश का विकास और तेज़ी से हो, इस देश की गति और तेज़ी से बढ़े, और हम सब शहर के लोगों को आसपास के साथ साथ अपने नज़दीकी लोगों का भी पता नहीं रहता कि हमारे आसपास कौन रहता कौन नहीं रहता, दूर की तो बात छोड़ दीजिए। तो हमें बाहर निकलकर सामाजिक दायरा अपना बढ़ाना चाहिए, और कहाँ पे कौन रहता है, क्या उसका पैसा है, क्या उसकी एक्सपर्टनाइजेशन है, क्या उसकी अपनी खासियत है, ये सब पता रहने से समाज में एक घुलने मिलने का जो मौका है वो जो है हम छोड़ देते हैं, उसका वास्तव में उपयोग करना चाहिए, और इमरजेंसी के समय, आपातकालीन के समय इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, और ये तभी संभव है जब हम लोग बाहर किसी दिन भी मिलकर आपस में बातचीत करें, एक दूसरे से संबंध बनाने की बात करें, आपस में दिनचर्या की बात करें, और अपने देश और राज की बात करें, तो हम लोग घुल मिल कर रहने में बड़े ही अच्छे ढंग से अपना समय व्यतीत कर पाएंगे, और साथ ही साथ इस देश की उन्नति में भी अपना हाथ बटा पाएंगे, और जो हमारी सामाजिक वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो आसपास की समस्याएं हैं, उनका निदान भी हम संबंधित विभागों को उन अपने सब बातों के माध्यम से भेज सकेंगे। तो ये सब चीज़ें एक उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, बशर्ते कि हम लोग थोड़ा समय निकाल कर इस कार्य में लगें, और ख़ास तौर पर छुट्टी के दिन अगर समय मिल जाए तो अति सुंदर रहेगा, और इससे हमारे देश का, हमारे सामाजिक व्यवहार का, हमारे सामाजिक उठने बैठने का। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।